पौधारोपण कर राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सरवार शहर में एक व्यक्ति एक पौधा एक संकल्प इस विषय के तहत ब्रह्माकुमारी सरवार सेवा केंद्र के द्वारा शहर में रिको एरिया, सूर्य तलाई, मदन मोहन मंदिर, ग्राम छापरी, ताजपुरा आदि जगहों पर पौधारोपण किया गया और दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। केंद्र प्रभारी बी के किरण दीदी ने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहा है, जिसके कारण कई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर है, वही इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। इससे हमें सचेत होने की आवश्यकता है। जिस रूप से प्रदूषण और तापमान बढ़ रहा है, इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी हो गया है। पीपल, तुलसी, बरगद जैसे पौधे ऑक्सीजन बढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसका संरक्षण करे। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा सरवार सेवा केंद्र के द्वारा आज दिनांक 25 अगस्त 2023 को आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 16वीं पुण्य स्मृति के दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत एक व्यक्ति एक पौधा एक संकल्प इस विषय के तहत ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय सेवा केंद्र के द्वारा शहर के रिको एरिया, सूर्य तलाई, राधे कृष्णा मंदिर, ग्राम छापरी, ताजपुरा आदि में पौधारोपण करके दादी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बीके किरण दीदी, बीके काना भाई, बीके किरण बहन तथा राम साहेब भाई, मोनू भाई, कैलाश बहन, सुनीता बहन, सितारा माता, विमला बहन, कमला बहन आदि ने अपनी उपस्थिति से सेवा को सफल बनाया। ओम शांति। कार्यक्रम में केंद्र प्रभारी बी के किरण दीदी, बी के पूजा दीदी, बी के किरण बहन, बी के कान्हा भाई, राम सहाय भाई, मोनू भाई, हिसा लाल माली, दुलीचंद सैनी, कान्हा शर्मा, नीरू पालरिया, अनिता शर्मा, कमला बहन, नीलिमा बहन, प्रभात बहन आदि ने मिलकर दादी जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस सेवा को सफल बनाया।